नमस्कार, अभी अभी आप देखना प्रारंभ कर दिए हैं ट्रू फैक्ट न्यूज को और मैं हूं आपके बीच मुकेश झा। बिहार के शिवहर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शिवहर जिले के पिपराही प्रखंड पिपराही थाना अंतर्गत देपली बांध के नीचे कुछ अज्ञात अपराधियों ने प्रखंड शिक्षिका को गोली मारकर हत्या कर दी, जो कि आज दिन का 10 बजे की यह घटना है। 10 बजे ही गोली मारकर हत्या कर दी। प्रखंड शिक्षिका जो कि सीतामढ़ी से पढ़ाने के लिए प्रतिदिन आया करती थी स्कूटी पर सवार होकर, जो कि स्कूटी पर सवार होकर ही आ रही थी और देपली बांध के नीचे ठीक 10 बजे कुछ अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जो कि प्रखंड शिक्षिका बेलाही दुल्लह विद्यालय में कार्यरत थी और पढ़ाने के लिए प्रतिदिन स्कूटी से सीतामढ़ी से, जैसा कि आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, सीतामढ़ी से देपली बांध की दूरी ठीक 25 किलोमीटर पर अवस्थित है और देपली बांध के नीचा एक रास्ता कुसहर की तरफ जाती है, जो जोड़ती है कुसहर पथ को जोड़ती है वहां पर, और एक रास्ता जो है कि सीधा इस साइड से जो देख रहे हैं रास्ता, वह रास्ता देवकली धाम की ओर सीधा जाती है, जो कि NH 104 में मिलती है। जैसा कि आप तमाम दर्शकों को बताना चाहूंगा, मैं अभी यहां पर घटना स्थल पर मुस्तैद हूं। अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वह घटना स्थल का दृश्य आप तमाम दर्शकों को दिखावे, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं यह ईंटा के बीचों बीच जो ब्लड दिखाई दे रहा है आप तमाम दर्शकों को, यह वही ब्लड है जो कि पल्लवी कुमारी को ठीक 10 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और वही ब्लड आप तमाम दर्शक यहां पर देख रहे हैं। यह खून जो देख रहे हैं ईंटा के बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है, यह वही है जो कि पल्लवी कुमारी, जिसका उम्र बताया जा रहा है 35 वर्ष, पल्लवी कुमारी का उम्र 35 वर्ष, प्रखंड शिक्षक थी, जो कि बेलाही दुल्लह विद्यालय में वह तैनात थी, राजकीय मध्य विद्यालय बेलाही दुल्लह, जहां पर घटना स्थल पर आप तमाम दर्शक यहां पर देख रहे हैं, यह जगह से घटना स्थल से लेकर विद्यालय की दूरी ठीक 7 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। हालांकि 7 किलोमीटर से कुछ कम ही होना चाहिए, लगभग 5-6 किलोमीटर निश्चित रूप से है, जो कि बेलाही दुल्लह विद्यालय पड़ता है, और वहां पर यह घटना स्थल से जो आप देख रहे हैं यहाँ की दूरी विद्यालय की सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ पर अवस्थित है, और ये विद्यालय है। इसी विद्यालय में पल्लवी कुमारी निज प्रतिदिन सीतामढ़ी से स्कूटी पर सवार होकर पढ़ाने के लिए आती थी, और आज ऐसा दुर्भाग्यवश ठीक 10 बजते ही कुछ अज्ञात अपराधियों ने देवली बांध के नीचे गोली मारकर हत्या कर दी गई। आप तमाम दर्शक यहां पर देख रहे हैं, जैसा कि दिखा रहे हैं, ये वह जगह है, ये बांध के ऊपर साइड का जगह है, जैसा कि आप देखिए ये बांध का ऊपर है, ऊपर में आ गया मैं, ये ऊपर जो आप ये दृश्य देख रहे हैं ये बांध का ऊपर है, और नीचे का दृश्य देखिए, नीचे का दृश्य है जहां पर आप देख रहे हैं तमाम दर्शक घटना स्थल पर, जहां पर मैं मुस्तैद हूं, आप देखिए यहां पर घटना स्थल की है, सीधा ट्रू फैक्ट टीम पहुंची है घटना स्थल पर और दिखा रही है आप तमाम दर्शकों को, देख रहे हैं, देखिए यही वह जगह है। और आइए आप तमाम दर्शकों को दिखाता हूं, जो कि यह मृतक है पल्लवी कुमारी, जिसका उम्र 35 वर्ष है, यही वह तस्वीर है आप तमाम दर्शकों के बीच में यहां पर दिखा रहा हूं, आप देखिए यही तस्वीर है मृतक पल्लवी कुमारी को, जो कि अब दुनिया में नहीं रही, जैसा कि आप तमाम दर्शकों ने यहां पर देख रहे हैं ट्रू फैक्ट न्यूज के माध्यम से। देखे आप टेक्नीशियन आलोक ग्रुप कैमरा पर्सन मुन्ना ओझा के साथ, मैं मुकेश झा, देखते रहिए ट्रू फैक्ट न्यूज।